मैं कृषि गुरु गुरु वाटिका वाराणसी में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं ऋषि परंपरा के अंतर्गत जिस जड़ी बूटी के पौधे को लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, इसके फल भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। इसका नाम धतूरा है। आप देख रहे हैं इस वृक्ष में कितने सारे फल आपको देखने को मिल रहे होंगे। मित्रों, मैंने आपसे पूर्व के वीडियो में भी बता रखा है कि जितने भी पूजा पाठ आदि की पूजा पाठ इत्यादि के समान हैं, वो महान औषधियों में उनका उपयोग किया जाता है। हमारे सनातनी परंपरा में वैज्ञानिक रूप से जो प्रमाणित चीजें हैं उनका पूजा पाठ में के समानों में उपयोग किया जाता है। मित्रों, आज हम इस पौधे को आपको अपने छत के गमले में भी लगा के दिखाएंगे तथा इसके औषधि गुणों के बारे में भी आपको बताएंगे। मित्रों, ये धतूरे का पौधा आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है। इसको मैं इसकी जड़ों को भी देख सकते हैं आप। ये इसकी जड़ें हैं। इसको हम इस तरीके से रख करके और इसके चारों तरफ से गाय के गोबर की खाद और मिट्टी मिलाया हुआ मैंने तैयार कर रखा है। इसको इस तरीके से इसमें हम लगा देंगे। ये तो इसके पौधे को लगाने की विधि हुई। ये देखें आपके सामने, ये धतूरे का पौधा मैंने लगा दिया। अब मैं आपको इसके बीजों के बारे में बताना चाहता हूँ। इसकी दो प्रजातियां होती हैं मित्रों। एक आप ये देख सकते हैं, ये काला धतूरा जो साक्षात विष है, और ये एक सफेद धतूरा। काले धतूरे का फल देखें आप, इसका ये काले धतूरे का फल है और ये सफेद धतूरे का फल है। काले धतूरे का फल काफी ब्राउन और काले रंग में होता है। पहले हरा रंग होता है, उसके बाद ये धीरे धीरे काला और ब्राउन हो जाता है। इसके पौधे को आप देखें, काले धतूरे का पौधा देखने से इसकी पूरी शाखा ही काली आपको नजर आएगी। आप आराम से देख सकते हैं। ये दो प्रजाति आपको मैंने दिखाया, एक काला धतूरा और एक ये हरा धतूरा। इन दोनों का फल बाबा विश्वनाथ को चढ़ता है और बड़ा ही इसका महत्व है। मित्रों, मैंने आपको ये लगा के दिखा दिया। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से आप किसी डब्बे में मिट्टी ले लें। मिट्टी लेने के बाद इसके बीजों को, ये आप देख सकते हैं, इसके बीजों को इसमें छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद उसके ऊपर से ये मिट्टी डाल दीजिए और मिट्टी डाल के पानी डाल दीजिए। इसमें से सैकड़ों पौधे पैदा हो जाएंगे। जितना बीज आप डालेंगे उतने पौधे हो जाएंगे। अब हम इसके पत्तों का और बीजों का औषधि उपयोग आपको बताने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत इन बीजों को आप कलेक्ट कर लें, इस तरीके से अपने पास सुरक्षित रख लें। ये बीज बड़े महत्वपूर्ण हैं मित्रों। इन बीजों का उपयोग पाताल तेल बनाने में किया जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि ये पाताल तेल क्या है। पाताल तेल इन धतूरे के बीजों को किसी हंडिया में डाल दें। डालने के बाद उस हंडिया के नीचे छेद करें। छेद करके स्टील का कोई बर्तन, जैसे ऐसे आपने हंडिया में इस तरीके से छेद कर दिया, स्टील का बर्तन यहाँ लगा दिया, इस बर्तन को यहाँ तक मिट्टी से ढक दें और इसके अगल बगल, हंडिया के अगल बगल गोहरी उपली रखकर आप आग लगा दें
धीरे धीरे वह गर्म होगा और इसके बीजों का तेल उस छेद के रास्ते से आपके बर्तन में चला जाएगा। उस तेल को आप सुरक्षित निकाल लें और जिस भी व्यक्ति को नामर्दी की शिकायत हो, जो व्यक्ति नामर्दी से ग्रसित हो, जिसमें काम शक्ति का क्षय हो चुका हो, जिसको धातु संबंधी रोग हो, जिसको सुजाक जैसी बीमारी हो, उसमें वह तेल बहुत ही फायदेमंद और कारगर होता है। मित्रों, औषधि का उपयोग रोग के लिए किया जाए तो अच्छा लगता है, शैतानी बदमाशी के लिए किया जाए तो वह उचित नहीं होता। जिसकी काम शक्ति वास्तव में छिड़ हो गई हो, जिसका वैवाहिक संबंध टूटने वाला हो, जो नामर्दी का शिकार हो, इसके पाताल तेल को अपने लिंग के अग्र भाग को छोड़कर शेष भाग पर रुई की सहायता से सावधानी पूर्वक लगावे तथा अपने तालु मात्र में भी यदि लगा लेते हैं तो वह काम शक्ति से परिपूर्ण और धातु रोग से पुष्ट हो जाता है। मित्रों, इसका दूसरा प्रयोग मैं आपको जोड़ों और गांठों के दर्द के लिए, गठिया जैसी भयंकर बीमारी के दर्द के लिए बताने जा रहा हूँ। मित्रों, इस काले धतूरे के पत्ते को आप उड़द की खड़ी दाल में पीस के और उड़द की दाल में पीस के इसके पत्तों को और उड़द की दाल को एक में पीस कर और कढ़ाई में सरसों या तिल का तेल में इसको पकाएं पकौड़ी की भांति, और जब ये पूरा काला हो जाए वो पकौड़ी, तो उस पकौड़ी को आप जमीन में डाल दें, क्योंकि वो बहुत ही विषाक्त हो जाता है, जहरीला हो जाता है, उसको कोई जानवर ना खा ले, इसलिए आप उसको जमीन में गाड़ दें और बचे हुए तेल को आप सुरक्षित किसी शीशी में रख लें और उस गठिया के मरीज के घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द या कहीं भी दर्द हो वहाँ लगाएं। मित्रों, उसका दर्द इसके लगाने मात्र से ही हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। आप इसका विश्वास रखें, इस प्रयोग को करके देखें, बहुत ही उत्तम प्रयोग है। ऐसे भी इसके पत्तों का उपयोग यदि कहीं मोच आ गई हो, चोट लग गई हो, स्तन पर माँ बहनों के गांठ हो गई हो और गांठ से डर कैंसर का हो, तो इसके पत्तों पर इस तरीके से आप तेल लगाएं और लगा के हल्का सा सेक के उस गांठ वाली जगह पर रख दें या दर्द की जगह पर रख दें, मोच की जगह पर चपका के कपड़े से बांध दें, आपका मोच का दर्द और वह मोच बहुत जल्दी ही आराम आपको दे देगा। मित्रों, ये बहुत ही अचूक औषधि है, बहुत ही दिव्य औषधि है, ये बाबा विश्वनाथ को भी चढ़ाई जाती है। हमारे धार्मिक परंपराओं में हमारे ऋषि महात्माओं ने जिन भी चीजों को पूजा पाठ इत्यादि के औषधियों में शामिल किया है, चीजों में शामिल किया है, वो महान औषधियां हैं। आप उनका सेवन करें, आप उनका उपयोग करें और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। आज मैं यहीं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं, क्योंकि इसके समय बहुत कम मुझे मिल पाता है इस वीडियो में बनाने में। मैं विश्वास रखता हूं कि आप इसका लाभ लेंगे और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। नमस्कार।